औरत के इस अंग पे तिल होना संकेत है कि वो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके शरीर पर मौजूद तेल आपके भाग्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। केवल इतना ही नहीं, यह यहाँ तक बताते हैं कि आपका आने वाला समय सुख से बीतने वाला है या दुख से। स्त्रियों के संदर्भ में कई बार उनके शरीर पर मौजूद दिल ही बता देते हैं कि स्त्री अपने जीवन में कितना संघर्ष करेगी या फिर कितना अमीर होगी। दोस्तों, ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं समुद्र शास्त्र से ली गई है, जहां शास्त्र पौराणिक काल के ऋषि समुद्र द्वारा लिखा गया था, इसलिए इसका नाम समुद्र शास्त्र पड़ा। समुद्र शास्त्र में मानव शरीर पर मौजूद अंगों की संरचना और तेल के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इसी विश्लेषण के आधार पर यह शास्त्र किसी भी इंसान के व्यक्तित्व को सटीक बताने में सक्षम है। समुद्र शास्त्र में महिलाओं की तमाम ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिनसे इंसान की तरक्की और खुशियां सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। दोस्तों, स्त्रियों के शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल होने का अर्थ भी अलग अलग होता है, जिसे इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे कि कामुक स्त्री के किस अंग पर तिल होता है और सौभाग्यशाली स्त्रियों की क्या पहचान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शास्त्र सनातन ज्ञान में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, कृषि समुद्र के अनुसार व्यक्ति के शरीर पर मौजूद दिल शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी। तेल जिस स्थान पर होता है उससे दिल के शुभ और अशुभ परिणामों का पता लगाया जाता है। दोस्तों, महिलाओं के संदर्भ में इस विषय पर समुद्र शास्त्र में लिखा है कि किसी भी महिला की कमर पर तिल होना उसके अमीर होने का संकेत देता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसी महिलाएं अपार धन, वैभव और ऐश्वर्य के साथ जीवन जीती हैं। इस तरह की स्त्रियां जिस क्षेत्र में जाती हैं खूब नाम और सफलता पाते हैं। दोस्तों, समुद्र शास्त्र में बताया गया है कि माथे पर तिल होना आत्मविश्वास और जीवन में सफलता को दर्शाता है। जिन भी महिलाओं के माथे पर तिल होता है वो अपने लिए सफलता का रास्ता खुद बनाने में सक्षम होती है, इसीलिए उन्हें जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। माथे पर तिल वाली महिलाएं खुद अपना एक मुकाम हासिल करती हैं और जीवन में अत्यधिक संपत्ति और सुख सुविधाओं का लाभ उठाती हैं। परंतु दोस्तों, माथे पर बाएं तरफ दिल को समुद्र शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी महिला बस अपने बारे में सोचती है, यानी इन महिलाओं में स्वार्थ की भावना अधिक रहती है, जिससे परिवार के लोग कई बार इनको गलत समझते हैं और इन्हें अपमानित होना पड़ता है। दोस्तों, महिलाओं की दाएं बाजू उनके लिए काफी शुभ मानी गई है। कहते हैं कि महिलाओं की दाएं बाजू का तेल सुखी और वैभवशाली होने का सूचक है। कहा जाता है कि ऐसी महिलाओं को जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। माना जाता है कि जिन महिलाओं की दाल ही बाजू पर तिल होता है वह हर चीज को पाने की लालसा नहीं रखती और जो भी उनके पास होता है उसी में खुशी खुशी गुजर बसर करती हैं। जबकि जिन महिलाओं की बाईं बाजू पर तिल होता है वह अपने परिवार से काफी जुड़ाव रखती हैं। परिवार से यह बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और सबका ख्याल रखती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार परिवार के लिए ये अपने दुख को भी भूल जाती हैं और इनके घर वाले इनसे काफी खुश रहते हैं। दोस्तों, धन, वैभव और ऐश्वर्य के साथ ही साथ धैर्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार किसी स्त्री की गर्दन पर तिल होना धैर्य और बुद्धि का संकेत है। ऐसी महिलाएं बेहद बुद्धिमान होते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीवन में कड़ा परिश्रम करती हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गर्दन में दिल वाली महिलाएं न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी काफी भाग्यशाली होती हैं और जिस घर में भी इनकी शादी होती है वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, अगर किसी महिला की आंख पर तिल हो तो वह स्वभाव से बेहद हद ही शांत और बुद्धिमान होती है। इन महिलाओं पर उनके आसपास के लोग बेहद विश्वास करते हैं और इनके पास धन की कभी कमी नहीं होती। इनका विवाह भी हमेशा संपन्न परिवार में ही होता है। जिन स्त्रियों की आंखों पर तिल होता है उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है, फिर चाहे वो नौकरी हो या फिर व्यापार, इसीलिए इन्हें सबसे भाग्यशाली माना गया है। दोस्तों, समुद्र शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कंधे पर तिल होना धन की अधिकता को दर्शाता है। जिन भी महिलाओं के कंधे पर तिल होता है वो अपने जीवन में सभी प्रकार के ऐशो आराम प्राप्त करती है। ऐसी महिलाएं वाणी से मधुर और संयमी भी होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने लिए ऐसे जीवन साथी को चुनती हैं जो देखने में भी खास हो और साथ ही बुद्धिमान भी। परंतु दोस्तों, अगर किसी महिला के कंधे के नीचे तिल हो तो समुद्र शास्त्र के अनुसार इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्त्रियों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। छोटी से छोटी सफलताएं हासिल करने के लिए भी इन्हें बेहद संघर्ष करना होता है। पीठ पर तिल होने पर स्त्री थोड़ा आलसी भी हो सकती है। ऐसी स्त्रियां काम को टालने वाली और आराम पसंद होती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं के होठों के नीचे तेल होता है वह बहुत ही मेहनती होते हैं
और इन्हें इनके परिश्रम का नतीजा भी अच्छा मिलता है। ये अपने प्रयासों में हमेशा सफलता पाते हैं। वहीं जिन महिलाओं के ऊपरी होंठ पर तिल हो तो वह न सिर्फ पुरुषों के बीच आकर्षण का केंद्र बनती हैं, बल्कि उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती। साथ ही ऐसी महिलाओं की शादी दिलदार व्यक्ति से ही होती है, परंतु होंठ पर तिल होना एक चिंता का विषय भी है। यदि कि इसी महिला के होंठ पर तिल हो तो उन्हें अपनी सेहत को लेकर सचेत रहने की जरूरत है। समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्रियों को मोटापा और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे होठों पर तिल का होना उनकी कामुक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। ऐसा समुद्र शास्त्र में बताया गया है, किसी महिला की ठुड्डी पर तिल होना भी बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसी महिलाओं के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती और वे आराम से अपना जीवन जीती है। सबसे खास बात यह है कि ऐसी महिलाओं को जीवन में कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर किसी महिला के दाएं गाल पर तिल होता है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता आता है। ऐसे लोगों पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने की वजह से इन्हें जीवन में कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं अगर किसी व्यक्ति के बाएं गाल में तिल हो तो समुद्र शास्त्र के अनुसार यह उनके जीवन में आर्थिक परेशानी का संकेत है। कई लोगों के पैरों में भी दिल बना होता है। इस तिल का मतलब होता है कि ऐसे लोग किसी एक जगह पर टिककर नहीं रह पाते। ऐसे लोग घुमक्कड़ होते हैं और कहीं पर ज्यादा समय तक नहीं रुकते और मनमौजी स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको महिलाओं के किसी अंग पर तिल होने का क्या अर्थ होता है इसका पता चल गया होगा। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे शास्त्र सनातन ज्ञान को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।